Hello everyone. So how are you all? I hope you are doing great and well, students. So today we are starting with our new course. And in this course, we are providing you all the quality education, which will definitely help you in your finals. So students, before moving further, I just want to introduce myself. This is Bakshish and I have done master's in botany. I taught many students till now and I am having the 7 years of experience of teaching. So, and in my methodology, I feel that when we have to learn something, we will fall into the love. So if you also would like to fall into the biology, right, with a very loveful way and with a smiling faces. So I am here to provide you that much knowledge and that much efficiency that you are able to achieve something in your life. So स्टूडेंट्स, मैंने बहुत बच्चों से सुना है, मैम बायो सच अ बोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत कुछ याद करना पड़ता है, एंड इवन देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच स्टूडेंट्स आर आस्किंग, मैम इतनी बड़ी टर्म्स कैसे याद करूं, इतने स्पेलिंग्स कैसे याद करूं. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग विद मी, यू नेवर फील बोर इन योर क्लास. ओके, बिकॉज इन माई क्लास वी विल चीयर टूगेदर, वी विल ट्राई टूगेदर एंड लर्न टूगेदर एंड हैविंग फन टूगेदर ऑल्सो. So students, before moving to the first thing, I am just telling you कुछ कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ. जो मेरी क्लासेस रहेंगी, जो मेरी वीडियोस रहेंगी, उनमें ये चीजें आपको मिलेंगी कि हम लोग स्टिक रहेंगे एनसीईआरटी के ऊपर. ठीक है, एनसीईआरटी ग्रेड 9 की बात कर रही हूँ यहाँ पर मैं, और मैं आपको पढ़ाऊंगी बायोलॉजी. राइट, सो ग्रेड 9 की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे. डेली वी विल टेक वन ऑफ द चैप्टर, उसमें से 1 या 2 पेजेस हम लोग डेली बेसिस पे लेंगे और उस पेज पे जितना लिखा है उसके बारे में अच्छे से समझेंगे. उसमें कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या टर्म्स उसमें यूज की गई हैं, कौन सी टर्म में क्या और ऐड किया जा सकता है, ये सारी चीजें हम लोग को डिस्कस करनी है. आई होप यहाँ तक सबको क्लियर कट आइडिया लग गया होगा दैट व्हाट वी हैव टू डू. ठीक है, सो बिफोर कि मैं स्टार्ट करूँ, आगे बढ़ू, आई जस्ट वुड लाइक टू टेल यू, ब्रिंग योर एनसीईआरटी बुक विद यू विथ पेंसिल्स इरेजर, ब्रिंग वन नोटबुक ऑल्सो सो यू हैव टू राइट सर्टन इम्पोर्टेंट थिंग्स, एंड इफ यू हैव हाईलाइटर ब्रिंग इट, सो यू हैव टू हाईलाइट द बेसिक पॉइंट्स, द मेजर थिंग व्हेन वी लर्न समथिंग. ओके, सो मे वी स्टार्ट द जर्नी. इफ यू ऑल आर एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड, ग्रेट वंडरफुल. सो स्टूडेंट्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आज हम लोग करने क्या वाले हैं स्टार्ट, वी विल स्टार्ट विद द ग्रेट 9. ग्रेड 9 से स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स हम लोग, और ग्रेड 9 में क्या स्टार्ट करने वाले हैं, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि हमें ग्रेड 9 में करना है सेल चैप्टर स्टार्ट. तो सेल चैप्टर जो है वो आपका चैप्टर 5 है, राइट, एम आई क्लियर, और यहाँ पर ग्रेड 9 है. सो हम लोग करने वाले हैं ग्रेड 9 चैप्टर 5, दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, एंड यू हैव टू ओपन द पेज 57 एज पर द न्यू एनसीईआरटी. आप अगर किसी की पुरानी एनसीईआरटी है तो जस्ट चेक इट. ठीक है, चैप्टर नेम पता है तो पहला पेज स्टार्ट करना. एंड इन माय क्लासेस बिफोर वी आर मूविंग टू द चैप्टर, जब लर्न करने से पहले, पढ़ने से पहले, आई ऑलवेज एक्सप्लेन अ थॉट विद स्टूडेंट्स सो दैट एक इंटरेक्शन बनी रहती है, अच्छे से पढ़ने का मजा आता है. देयर आर मेनी मोर थिंग्स विच यू लर्न व्हेन वी आर लर्निंग अबाउट थॉट. सो द थिंग इज, The way to get started is to quit talking and begin to. हम हमेशा ये सोचते हैं ना कि यार कल टाइम टेबल बनाया है, कल पक्का पूरा टाइम टेबल फॉलो करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा बहुत कम लोग करते हैं. द थिंग इज दैट, छोड़ो बातें, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जस्ट स्टार्ट इट विद, स्टार्ट करो, दैट इज अ बेसिक थिंग. स्टार्ट करोगे, कुछ लर्न करोगे, कुछ अच्छा सीखोगे. सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल, और सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, राइट. सो स्टूडेंट्स, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, जस्ट ओपन योर एनसीईआरटी बुक्स फॉर दैट, दैट कि आपको अगर कोई इश्यू हो, कोई डाउट हो, तो हम लोग साथ में डिस्कस भी कर लेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, एज यू आर अवेयर सेल क्या होता है, अब हर पर्सन की अपनी एक अप्रोच होगी ना सेल को लेकर. कोई बोलेगा मैम सेल ये है, सेल वो है. अब मैं बहुत लेमैन से स्टार्ट करती हूँ. ठीक है, बिफोर मूविंग टू द बुक, मुझे एक स्टोरी बिल्डअप करनी है ताकि आपको समझ में आए. सो सबके अपने अपने कंसेप्चुअल एरिया. लेमैन के अकॉर्डिंग आपको पता है हम लोग बनाते हैं हाउस,
यू नो दैट आई लाइक ड्रॉइंग अ लॉट। मुझे घर बनाने का, हाउस बनाने का, जब हम छोटे होते थे ना तो हमें सबसे पहले ना टीचर क्या सिखाते थे, हट बनाना सिखाते, याद है? सबने बनाई होगी, मैंने ही क्या, आप सबने भी हट्स बनाई होगी ना। तो मुझे हट बनाने का बड़ा शौक, इसीलिए मैं जब भी पढ़ाती हूँ मैं मोस्टली ऐसे कंसेप्ट उठाती हूँ समझाने के लिए जिससे कि आपको अच्छे से समझ में। अब हो सकता है आप लोगों की हट मेरे से ज्यादा अच्छी हो, कि सबकी अपनी एबिलिटी होती है, क्वालिटी होती है। सो एक घर बनाने के लिए, अगर मैं बात करूं एक हाउस बनाने के लिए, कि हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ता है, वी नीड ब्रिक्स चाहिए ना, ब्रिक्स चाहिए। ब्रिक्स के ऊपर हम लोग सीमेंट डालते हैं, उसकी पूरी एक लेयर बनाते हैं, देन देयर इज अ बिल्ड, तभी हाउस बनता है। सो उसी तरह से हमारी ह्यूमन बॉडी, ठीक है, एक ह्यूमन में, राइट? अब यहाँ पर ना थोड़ा सा फनी ये कहते हैं, ये एक ह्यूमन बॉडी है। अब इस ह्यूमन बॉडी को बनाने के लिए तो सोचो, आप सोच रहे होगे कि मैडम इसको बनाने के लिए क्या लगा, डंडिया, राइट? यू बस से दैट ना कि मैम क्या लगा, कुछ भी नहीं लगा इसको बनाने के लिए, देर आर ओनली सर्टन लाइंस यू ड्रॉ। सो हम लोगों के यहाँ लाइंस को डंडिया बोलते हैं, पता है? सो लाइंस लगी सिर्फ यहाँ बनाने के लिए, पर इन जनरल अगर इसको थोड़ा और इम्प्रोवाइज करो, ठीक है, जैसे कि आप, अगर आपको पता होगा हमारा जो ह्यूमन का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से हम लोग बनाते हैं। सो यहाँ पर हर एक ऑर्गन को, हर एक पार्ट को बनाने के लिए जो बेसिक यूनिट है, जो फंडामेंटल यूनिट है, इट इज कॉल्ड एज सेल। मैंने आपको सिंपली समझाया, एक हाउस को बनाने के लिए वी नीड ब्रिक्स। हम सर्टन ब्रिक्स को इकट्ठा करते हैं, देन वी आर एबल टू मेक अ हाउस। इन द सेम वे इन ह्यूमन बॉडी वी कलेक्ट सर्टन नंबर ऑफ सेल्स एंड दीज सेल्स विल फॉर्म ह्यूमन बॉडी, सच अ बिग बॉडी, एम आई राइट? सो अभी आपको कुछ बेसिक आइडिया हो गया सेल के बारे में, अनडाउटेडली आई नो दैट आप सबने 8th 7th क्लास में पढ़ा होगा, बट वी हैव टू स्टार्ट आवर जर्नी इन अ वेरी एनर्जेटिक मैनर एंड अ एंथुसियास्टिक वे। सो बी विद दैट, ओके? अगर कुछ अच्छा ना लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, डोंट वी। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमें कौन से पेज से स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द पेज नंबर 57, ओके? सो बिफोर कमेंसिंग, आप सब लोगों के पास बुक है, आई होप होगी सबके पास, राइट? एम आई राइट? सो बुक आप सबके पास है स्टूडेंट्स, सो ओपन योर बुक्स, हैव अ पेंसिल विद यू सो दैट यू मे लर्न अ नंबर ऑफ थिंग्स टुगेदर। सो स्टूडेंट्स, एज पर योर एनसीईआरटी इट इज मेंशन हियर, वहां पे उन्होंने लिखा है कि व्हाइल एग्जाम, जब हम लोग एग्जाम कर रहे हैं एक थिन स्लाइस के कॉर्क को, अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर ओरिजिनेट होते हैं। कॉर्क क्या है? आपको पता है बार्क क्या है? हमने ट्री देखा, ये हमारा हो गया ट्री, बचपन में बनाते थे ना हट के साथ एक ट्री जरूर बनाते, राइट? सेम वे में हमने बना दिया ट्री। अब ये जो ट्री है ना, यहाँ पर ये जो पोर्शन होता है, इसको अगर मैं थोड़ा सा निकाल लूं तो इसको क्या बोलते हैं, बार्क। और बार्क के अंदर जो सेल होते हैं, या बार्क के अंदर एक सर्टन एरिया हमने उठा लिया, उसको बोल दिया गया कॉर्क। कॉर्क जो होता है वो हार्ड होता है, प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखता है, ये फंक्शंस होते हैं कॉर्क, जो कि हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं, कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ अ ट्री। सो सबसे पहले क्या हुआ, ये कॉर्क उठाई किन्होंने, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिनको कि मेरी तरह पेड़ों से बहुत प्यार था। उन्होंने क्या लिया, उन्होंने वो कॉर्क उठा लिया और कॉर्क को उन्होंने बोला कि ये जो कॉर्क है ये किससे रिजेंबल करती है, ये रिजेंबल करती है स्ट्रक्चर ऑफ हनी कॉम्ब से, ठीक है? किससे रिमेंबर करती है, स्ट्रक्चर ऑफ हनी कॉम्ब से। और हनी कॉम्ब में क्या है, छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स बने हैं। अब ये क्या हुआ, यहाँ पर हमें क्या समझना है, ये वाली बात। सो स्टूडेंट, अगर आपसे कोई पूछे रॉबर्ट हुक ने किसको सिमिलर बताया हनी कॉम से, दैट इट वुड बी कॉर्क। अगर कोई पूछे रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था सबसे पहले, दैट इज कॉर्क। अगर कोई पूछे रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी कहाँ से की, वी कैन से फ्रॉम द कॉर्क, ठीक है? तो ये काफी क्वेश्चन इसी से बनते हैं, एम आई राइट? अब एक और चीज, रॉबर्ट हुक ने क्या बोला था, कॉर्क में क्या होते हैं, कॉर्क इज रिजेम्बलिंग विद स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब विद विच देर आर मेनी स्मॉल कंपार्टमेंट्स, क्या थे, छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स थे। अब यहां तक समझ में आया, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, कैसे किया, कोई डाउट?
लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प। अब कॉर्क क्या है? कॉर्क एक ऐसा सब्सटेंस है जो कहां से आता है? बार्क ऑफ ट्री से। ये तो मैंने पहले समझा दिया था यहाँ पर आपको कि कॉर्क क्या होता है ट्री ड्रॉ करके। नेक्स्ट, दिस वॉज इन द ईयर 1665। कौन सा ईयर था? 1665, जबकि जो हुक थे उन्होंने ऑब्जर्व किया था सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। वी नो दैट ना कि माइक्रोस्कोप क्या होता है। माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो हम किसके लिए यूज करते हैं, टू सी मिन्यूट ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक अमीबा पैरामीशियम, सबको हम देखने के लिए क्या यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप। क्योंकि माइक्रोस्कोप में लेंस होता है, लेंस उसकी पावर को जो भी चीज हम देख रहे हैं उसको थोड़ा इंक्रीज कर देता है। सो अगर वो इंक्रीज कर देता है सो वी आर एबल टू सी दैट मच इन अ वेरी क्लियर मैनर, हम उसको देख पाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि रॉबर्ट हुक ने क्या इन्वेंट किया 1665 में, उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया खुद से। और जब उन्होंने खुद से बनाया तो उन्होंने सेल का नाम दिया। और उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर क्या देखा? उन्होंने देखा माइक्रोस्कोप के अंदर क्या है? कॉर्क। जब उन्होंने कॉर्क को माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको लगा कि इसमें क्या है, देयर आर स्मॉल कंपार्टमेंट। उन्होंने उसको बोल दिया लिटिल रूम। अब समझ में आया कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। सो यहां तक मैंने आपको ये समझा दिया कि आपको पता लग गया ना कि सेल की डिस्कवरी जो है वो कैसे। एम आई राइट स्टिल स्टूडेंट्स? अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, यू कैन आस्क मी, आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। ओके, सो नाउ इसी चीज को जो हमने ये पैराग्राफ पेज नंबर 57 पे रीड आउट किया, इसको थोड़ा और वंडरफुल वे से समझते हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो आप पक्का आ जाए। ठीक है, ग्रेट। सो सबसे पहले आपने क्या याद रखना है, ये है हमारे पास एक बंदा, इनका नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन द ईयर 1665 में माइक्रोस्कोप बनाया। और जब इन्होंने क्या बनाया स्टूडेंट्स, माइक्रोस्कोप बनाया, तो इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर, अब मैं ना यहाँ पर इतनी अच्छी तो ड्राइंग मेरी भी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ मैं अच्छे से आपको करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में कुछ आ जाएगा तो मेरे लिए बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, ये बनाया इन्होंने माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप के नीचे यहाँ पर इन्होंने रखा कॉर्क। क्या रखा? कॉर्क। अब कॉर्क कहाँ से आया? कॉर्क इज अ बार्क ऑफ अ ट्री। तो आपको पता है मुझे पेड़ बनाने का बहुत शौक है, तो मैंने यहाँ पे बना के बता दिया। ठीक है, अब जब रॉबर्ट हुक ने क्या देखा 1665 में, उन्होंने कॉर्क को देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, यहाँ पर आई लगा के उन्होंने ऐसे करके देखा, ही फाउंड, उनको क्या मिला कि जो ये कॉर्क है ना, ये किससे रिसेम्बल कर रहा है? हनीकॉम से। आपने कभी हनीकॉम तो देखा है? हनीकॉम इज जस्ट लाइक हेक्सागोनल सेल्स। तो उन्होंने बोला कि ये किससे रिसेम्बल कर रहा है? हनीकॉम से। और उन्होंने बोला कि उसमें क्या है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, इसीलिए उन्होंने उसको क्या नाम दिया, जो स्मॉल कंपार्टमेंट्स थे, छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे, उन्होंने उनको क्या नाम दिया, उन्होंने उसको नाम दिया सेल। एंड यू नो दैट कि सेल को लेटिन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? सेल को लेटिन लैंग्वेज में बोलते हैं स्मॉल रूम। क्या बोलते हैं? लिटिल रूम या फिर स्मॉल रूम। So, इस तरह से क्या हुई सेल की डिस्कवरी। आई होप इट वुड बी क्लियर। समझ में आया? वंडरफुल। सेल किन्होंने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने। किस तरह किया? मैंने पूरी स्टोरी समझा दी। अब आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, यू कैन राइट इट विद योर ओन। आप खुद अपने आप लिखोगे कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ, ये पहला क्वेश्चन मिलेगा एनसीईआरटी में। सो यू कैन राइट इट विद योर ओन हैंड्स नाउ। राइट, वंडरफुल। मूविंग जो फर्दर, हम लोग 57 पेज पे ही हैं। मैं जस्ट एक बार इसलिए याद करवा देती हूँ कि बच्चे जब समझने लग जाते हैं सम टाइम दे फॉरगेट, वो भूल जाते हैं कि हम लोग कहाँ पर थे। ठीक है, सो अब उसी के आगे, दिस मे सीम टू बी अ वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस, डेफिनेटली, बिकॉज विदाउट सेल वी कांट एग्जिस्ट। This way, this was the very first time that someone had observed the living things appear to consist of separate, ये ना बहुत, मतलब ये कह सकते हो कि ऐसा पहली बार ही हुआ था
जबकि ये देखा गया कि ऑब्जर्व किया गया कि जो लिविंग बीइंग है या जितने भी इंसान लोग हैं, जितने भी लिविंग बीइंग है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट से मिलके बने हैं या सेपरेट यूनिट से मिलके बने हैं, जिनको कि क्या बोल दिया गया, सेल। द यूज ऑफ द वर्ड सेल इज टू डिस्क्राइब दीज यूनिट्स एंड स्टिल दिस डे वी आर यूजिंग इट इन बायोलॉजी। आज भी हम बायोलॉजी में इसको पढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक किसी को इतना सा भी डाउट नहीं, अगर है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल हेल्प यू आउट फॉर श्योर। लो अब और कुछ ढूंढते हैं सेल के बारे में अंदर जाके थोड़ा सा और एनसीईआरटी में। समटाइम ना आई आल्सो फाउंड कि एनसीईआरटी थोड़ी बोरिंग हो जाती है ना, एक तो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग सी इमेजेस नहीं होती या बहुत पढ़ना पड़ता है मैडम, एक्टिविटीज बहुत, तो ट्राई टू बी समथिंग यूनिक अच्छे से। चलो अब पढ़ते हैं आगे। लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम एन अनियन पाल। अब आप सबके घर में अनियन है कि नहीं? आपको पता है अनियन को साइंटिफिक में क्या बोलते हैं? एलियम सीपा। अब यहाँ पर मैंने ये क्यों बताया? वेरी सिंपल थी, कुछ चीजों को याद करना बहुत मुश्किल होता है जब आप पढ़ी क्लासेस में चले जाए। अभी साथ साथ में थोड़ा करोगे ना तो इंटरेस्टिंग भी लगेगा, याद भी हो जाएगा और रिटेन भी रहेगा, ठीक है? अनियन, अब हमारी ना 9th ग्रेड में अनियन के एक्सपेरिमेंट्स बहुत, आप देखोगे एक्सपेरिमेंट्स करोगे, देयर आर मेनी एक्सपेरिमेंट्स ऑफ अनियन इन योर ग्रेड 9। सो उसकी कोई थोड़ा सा कंसिडर करते हैं हम लोग कि अगर मैं यहाँ पर जो एक्टिविटी दी है उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक्टिविटी 1 है आपकी बुक में, राइट? सो 1 means 5.1। सो लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम एन अनियन बल्ब, यानी कि एलियम सीपा से लेना। अब अगर आज तुम लोग वेजिटेबल सेलर के पास जाके बोल दो ना, सर एलियम सीपा लेना, आई डेफिनेटली श्योर यू नो वन नोज एलियम सीपा, बट वी न्यू दैट, हमने तो एक वर्ड अपनी वोकैबुलरी में डाला, दैट इज अ गुड थिंग। सो विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स, फोर्सेप्स आपने देखा होगा आपके मदर्स भी घर पे यूज करते हैं, इट इज ऑल्सो इन प्रेजेंट इन कॉस्मेटिक्स वगैरह, मतलब ये एक मेकअप का इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज अ फोर्सेप्स, लेकिन हम लोग साइंस में बहुत यूज करते हैं। वी कैन पील ऑफ द स्किन, हमें ना अनियन की स्किन पील करनी है। आई हैव ट्राई कि मैं ये एक्सपेरिमेंट आपके सामने करूं, बहुत इजी एक्सपेरिमेंट होता है। अनियन का बल्ब लीजिए, उसका जो पीछे व्हाइट व्हाइट होता है ना, उसको पील आउट, जब आप उसको पील आउट करोगे, ठीक है, तो वो एपिडर्मिस होगा और वो कौन सी साइड होगी? कंकेव साइड। आपको मैं एक चीज बता देती हूँ, आप अनियन का बल्ब खाओगे ना तो उसकी जो ये वाली साइड है, यहां से आपको पील लेंगे, ठीक है, जो कंकेव साइड होगी वहां से आप उसकी स्किन उतारोगे, मतलब कि आप एपिडर्मिस उतारोगे। बहुत सिंपल सीधी सी बात, क्लियर है? वंडरफुल। सो उसके बाद क्या होगा? दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन अ वॉच ग्लास। वॉच ग्लास होती है साइंस की लैब में, आपको देखने को पक्का से मिलेगी। उस वॉच ग्लास में आप वो लेयर डाल दोगे जहां पर क्या है, पानी। पानी, अब पानी क्यों डाला? ताकि वो ड्राई ना हो जाए। अगर एलियम सी पर ड्राई हो गया या वो हवा में उड़ गया तो हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे क्या देखेंगे, राइट? सो दैट इज व्हाई हम लोग उसको पानी में रखते हैं, ताकि वो ड्राई ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, व्हाई डू दिस पी, सॉरी व्हाट डू वी डू दिस पी, हम इस पील से क्या करें? डेफिनेटली क्या करेंगे, हमने उसको निकाला है फोर्सेप्स से, उसको वॉच ग्लास के ऊपर रखा है, अब हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, क्योंकि 1665 में रॉबर्ट हुक ने उसी के नीचे क्या देखी थी, कॉर्क देखी थी, जिसने उन्होंने क्या ढूंढा था, सेल के बारे में, ठीक है ना? तो हम भी क्या ढूंढेंगे, अब अनियम सीपा के बीच में सेल ढूंढेंगे। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक और ट्विस्ट है कहानी में, दैट वुड बी, हमने एक ग्लास स्लाइड ली, उस पे एक ड्रॉप पानी का डाला और जो स्मॉल पीस हमने लिया था ना अनियन का, वो उसने रख दिया, वॉच ग्लास से उठा के ग्लास स्लाइड में रख दिया। अब इस तरह से रखा कि वो बिल्कुल प्लेन हो, ये ना उसके ऊपर फोल्ड बने हो, एक प्लेन लेयर बना दी। तो जब हमने उसको एक प्लेन लेयर बना दी तो उसके ऊपर हम लोगों ने ये प्लेन लेयर ना, हम लोग क्या ब्रशेज आते हैं 1 नंबर 0 नंबर, उससे भी कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत थिन लेयर होती है, तो उसके फोल्ड्स हो जाना नॉर्मल सी बात है। सो वी कैन यूज इट लाइक दैट, हम उसके ऊपर ब्रश से उसको सही भी कर सकते हैं, वेयर देयर इज रिक्वायर्ड। यहाँ तक कोई डाउट? एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनीथिंग यू वुड लाइक मी टू रिपीट? सो आई हैव हियर टू रिपीट, ओके? मूविंग फॉर द स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने क्या कर दिया,
उसको बिल्कुल सेट कर दिया। सपोज कर लो ये हमारी स्लाइड है और ये स्लाइड के ऊपर ये मेरा अनियन पील आ गया। अब उसके ऊपर मैंने क्या डालना है, मैंने डालनी है आयोडीन की ड्रॉप्स। अब आयोडीन क्यों डाला, एनी वन ऑफ, क्योंकि ना ये चीजें हमें पेपर में पूछी जाती है, व्हाई वी ऐड आयोडीन सॉल्यूशन इन अनियन पील बाल्ब व्हेन वी आर सीइंग द सेल्स, द रीजन इज टू कलर द सेल्स, क्योंकि अनियन पील कौन से कलर का था, व्हाइट। ऐसा नहीं है कि अगर व्हाइट देखोगे तो तुम्हें दिखेगा नहीं, माइक्रोस्कोप आपको व्हाइट सेल्स दिखाएगा, राइट, बट टू मेक इट कलरफुल ताकि हम उसको अच्छे से विजुअलाइज कर। आप जब भी एक्सपेरिमेंट करो पहले आप बिना आयोडीन के करना, यू विल ऑब्जर्व द सेल, और फिर आयोडीन डाल के करना, तो थोड़ी ब्यूटी, यू नो, एस्थेटिक वैल्यूज आ जाती है ना। हम लोग हर चीज में थोड़ी सी ब्यूटी ढूंढते हैं, सुंदरता आनी चाहिए, सो दैट्स व्हाई वी पुट आयोडीन, मतलब आयोडीन डालना है तो मतलब सुंदरता चाहिए। तो हमें जो अनियन पील के सेल्स हैं वो पिंक कलर के या डार्किश कलर के दिखेंगे, मतलब लाइट पिंक भी होते हैं, समटाइम डार्किश का भी हो जाता है, डिपेंड्स कि आपने आयोडीन की बूंदें कितनी डाली है। अगर आपने आयोडीन की ड्रॉप बहुत ज्यादा डाल दी है तो आपको ब्लैक ब्लैक भी दिखने लग जाएगा, सो बी केयरफुल। वैसे तो आपके स्कूल्स में आपके टीचर्स आपकी हेल्प करेंगे ड्रॉप डालने की, ठीक है। उसके बाद हम उसके ऊपर एक कवर स्लिप रख देते हैं लाइक दिस। कवर स्लिप क्यों रखते हैं, ताकि आपने ड्रॉप डाली है तो ड्रॉप इधर से उधर भी जाएगी जैसे आप स्लाइड हटाओगे, तो कवर स्लिप आपके अनियन पील को एंड इवन द वाटर ड्रॉप एंड इवन द आयोडीन ड्रॉप को एक जगह पे रखती है। एंड वी हैव अ टेक्निक, हमारे पास एक टेक्निक होती है कवर स्लिप को रखने के लिए, ठीक है, ताकि उसमें एयर बबल्स ना आ जाए, क्योंकि अगर एयर बबल्स आ जाएंगे तो वो भी आपको माइक्रोस्कोप के नीचे दिखने लग जाएंगे, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं, टेक केयर टू अवॉइड एयर बबल्स व्हाइल पुटिंग द कवर स्लिप। मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि आपको टेक केयर ध्यान रखना है जब आप कवर स्लिप डाल रहे हो तो उसमें एयर बबल्स ना बने, कि अगर एयर बबल्स बनेंगे इट विल हॉल्ट योर परफॉर्मेंस व्हाइल यू आर सेम। नेक्स्ट इज विद द हेल्प ऑफ माउंटिंग नीडल्स आस्क योर टीचर फॉर हेल्प। डेफिनेटली स्टूडेंट्स, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम स्लाइड बना रहे हो तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि आपको आपके टीचर को बोलना पड़ेगा फॉर सर्टन काइंड ऑफ हेल्प, वो चाहिए, वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। वी हैव प्रिपेयर्ड अ टेम्परेरी माउंट ऑफ अनियन। हमने क्या बनाया, टेम्परेरी माउंट। आपको जो एक्सपेरिमेंट है वो भी यही होता है, टू प्रिपेयर द टेम्परेरी माउंट ऑफ अनियन पील। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मिलेगा आपको 9, राइट। सो उसमें क्या है, टेम्परेरी क्यों बोला, क्योंकि हमने जस्ट इसमें कोई, हम जो परमानेंट स्लाइड्स होती है ना उसमें बहुत ज्यादा सारे सॉल्यूशंस पड़ते हैं, हीटअप किया जाता है, जो कवर स्लाइड होती है उसको इतना हीटअप कर दिया जाता है कि वो ग्लास स्लाइड से मर्ज हो जाती है, और उसको हम लोग इयर्स ले इयर्स यूज करते हैं, काफी टाइम के लिए यूज करते हैं फॉर द स्टडी। इसीलिए या इसको हम लोग टेम्परेरी माउंट बोलते हैं, सिर्फ कुछ समय के लिए देखने के लिए हम लोग बनाते हैं, ठीक है। सो दैट कि एवरीवन नो हाउ वी आर एबल टू प्रिपेयर स्लाइड्स, वी कैन ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर लो पावर, इवन उसके बाद हम हाई पावर में भी देख सकते हैं। नाउ व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस, कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप ऑन एन ऑब्जर्वेशन की, डज इट लुक लाइक व्हाट। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चन है। अब एक छोटा सा आपको समझाने के लिए फिर से मैं एक चीज आपके साथ कुछ डिस्कस करती हूँ। पहले तो इस एक्सपेरिमेंट को इन अ शॉर्टर वे हम लोग बता देते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले ली अनियन पील। अनियन पील हम लोगों ने कहाँ से ली, वी विल टेक अनियन पील फ्रॉम द कंकेव साइड। कहाँ से ली स्टूडेंट हम लोगों ने अनियन पील, हम लोगों ने अनियन पील ली कंकेव साइड से। व्हाइट कलर की लेयर उठाई, उसको हम लोगों ने रख दिया ग्लास स्लाइड के ऊपर। मैंने वॉच ग्लास में इसलिए नहीं रखा बिकॉज रखते हम वॉच ग्लास में पानी की ड्रॉप डाल के ही है, बट वी कैन डू इट एज इट इज ऑल्सो। सो ग्लास स्लाइड में वाटर की ड्रॉप डाली, जैसे ही वाटर की ड्रॉप डाली ऊपर मैंने रख दिया अनियन पील, उसके ऊपर मैंने क्या डाला, आयोडीन की ड्रॉप डाली, उसके ऊपर मैंने आयोडीन की ड्रॉप डाली। आयोडीन की ड्रॉप डालने के बाद मैंने उसमें कवर स्लिप डाला, ठीक है। अब इसको मैं लेके गई माइक्रोस्कोप के नीचे। अब आपको पता है मेरी ड्राइंग तो अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश तो करनी है क्योंकि तुम्हें अच्छा सिखाना है, अच्छा पढ़ाना है, राइट। सो यहाँ पर मैंने जाकर आपकी स्लाइड रख, जब मैंने यहाँ पर आपकी स्लाइड को रख दिया, ठीक है, तो मुझे क्या दिखा, दैट इज द क्वेश्चन इन योर बुक। सो आप ये चीज तो आप जब एक्सपेरिमेंट करोगे यू विल बी मोर क्लियर, बट मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है, तो आपको पता क्या दिखेगा, कुछ इस तरह के पिंकिश कलर के सेल्स दिखेंगे।
इस तरह के पिंक कलर के। पिंक कलर के क्यों होंगे? क्योंकि मैंने पहले बताया हम लोगों ने क्या डाली है, आयोडीन। इफ वी एड आयोडीन सो वी विल फाउंड पिंकिश, लाइट पिंकिश कलर सेल्स, और ये जो सेल्स हैं इन सब में आपको एक-एक न्यूक्लियस भी दिखेगा, बिकॉज विदाउट न्यूक्लियस सेल तो होता ही नहीं, राइट? सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ सेल। अब इसको ना कई लोग बोल देते हैं ब्रिक्स की तरह के सेल्स होते हैं अनियन पील में, ठीक है? कई लोग इसको पिलर से रिलेट कर देते हैं, कई लोग इसको ब्रांचिंग से रिलेट कर देते हैं, तो देर आर मेनी थिंग्स, ओके? बहुत चीजें होती है जिसको हम कंसीडर करते हैं ना, सो दीज आर ऑल थिंग्स विच वी आर कंसीडरिंग। सो ये क्या है? सेल्स है, पाइल्स ऑफ सेल्स। तो हमें क्या दिखेगा? ये सेल्स दिखेंगे जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे, इसका मतलब अनियन पील के ये सेल्स होते हैं। इज इट क्लियर? एनी डाउट? कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे प्लीज कमेंट करके बताइएगा, सो दैट ये जो एजुकेशन की हमारे इंटरेक्शन है ना, ये थोड़ी बढ़े। और जितने इंटरेक्शन बढ़ती है ना स्टूडेंट्स, उतना अच्छे से समझ में आता है किसी की सर, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो आप हो, इंटरेक्शन होगी तभी कुछ ज्यादा ग्रास्प कर पाए। सो स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। आज हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया? सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। मैंने आपको ये बताया कि रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया, ठीक है? रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर तो किया, लेकिन कैसे डिस्कवर किया मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है? माइक्रोस्कोप किस ईयर में बनाया? 1665 में, ओके? उसके बाद हाउ वी नो, पहले तो मैंने ये बताया ना कि किस तरह रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया, फिर उन्होंने सेल्स को किससे रिजेम्बल किया, ये सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस, राइट? नाउ आई विल जस्ट लेट यू नो, ये तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। अब आपको उसके बाद मैंने एक्टिविटी से समझाया हाउ यू आर एबल टू फाइंड सेल, आप कैसे सेल को ढूंढोगे, आपने भी तो ढूंढना, राइट? सो दैट इज अ वे यू हैव टू। सो इस तरह से आप भी क्या करोगे, आप भी अपना सेल जो है वो ढूंढ पाओगे, किस तरह से? अनियन से, अनियन पील। इवन इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस, हम लोग अपने चीक सेल्स भी देख सकते हैं, ठीक है? द सेम वे वी आर डूइंग। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज आप बता सकते हो ऑन द कमेंट बॉक्स, सो दैट आई विल हेल्प यू आउट। ताकि इश्यूज हो तो आई एम हियर, ठीक है? थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर योर टाइम, फॉर योर सपोर्ट। आई होप यहाँ तक 57 पेज तो पक्का अच्छे से समझ में आ गया होगा एनसीईआरटी का। और जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो साथ में बुक में पूरा मार्क करते रहते हैं ताकि दोबारा वो पेज देखने की जरूरत ही ना पड़े, इतने अच्छे से हर एक चीज चली जाएगी, राइट? बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली।